दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद क्रिश में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अमेज़न में ऑर्डर करने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों अमेज़न के बारे तो आप सभी जानते हैं। अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जिसमें आप दुनिया भर के यानी ए टू जेड कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर वो घर का सामान हो या फिर वो राशन का सामान हो, आपको अगर कोई भी सामान खरीदना है तो आप सिंपली अमेज़न में सर्च करके उस सामान को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों कई बार अमेज़न में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं जिसे हम बाद में कैंसिल करना चाहते हैं। मतलब कई बार हम गलती से अमेज़न में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती और हम चाहते हैं कि हम उन प्रोडक्ट को कैंसिल कर दें। तो दोस्तों इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें अगर आपने अमेज़न में गलती से कुछ ऑर्डर कर दिया है तो आप आसानी से उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अब दोस्तों अमेज़न में हम ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं इसे समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अब दोस्तों आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें आपको अमेज़न की वेबसाइट खोल लेनी है या फिर आपको अमेज़न की ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खोल लेनी है। तो यहाँ दोस्तों मैंने अमेज़न की वेबसाइट खोल ली है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन इन कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों मैंने अमेज़न में साइन इन कर लिया है। अब दोस्तों डेमो के लिए हम यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और फिर हम उस प्रोडक्ट को कैंसिल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए बोया माइक सर्च किया है और दोस्तों हम इसी माइक को ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ दोस्तों ऑर्डर करने के लिए मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आप कौन से मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों फ़िलहाल अभी पे ऑन डिलीवरी क्लोज्ड है तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज़ करूँगा और इस ऑर्डर की पेमेंट करूँगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब नेट बैंकिंग से मैंने यहां पे पेमेंट कर दी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये ऑर्डर कैंसिल करना है। तो यहां पे दोस्तों रिव्यू और एडिट योर रीसेंट ऑर्डर पे हमें क्लिक करना है, या फिर दोस्तों अगर आप अमेज़न की वेबसाइट खोलेंगे तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ट्रैक एंड मैनेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो बोया माइक हमने ऑर्डर किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे व्यू ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कैंसल आइटम लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि जिस माइक को हमने ऑर्डर किया है वो यहाँ पे टिक हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे हमें नीचे कैंसिल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो हमारा कैंसिल हो चुका है और दोस्तों जो हमने नेट बैंकिंग से पेमेंट की थी वो भी ऑटोमेटिकली उसी बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर किया है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सिंपल और आसान तरीका अपना के आप आसानी से किसी भी अमेज़न के ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अमेज़न पे कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है जिसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक फॉलो करके कोई भी प्रोडक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि अमेज़न के प्रोडक्ट को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूंगा कल फिर एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।